नॉलेज लीड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि आपने अगर जो फंक्शन या फिर फॉर्मूला यहाँ पे सिलेक्ट किया, वो फॉर्मूला सिलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो अपना कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे आपको निकालेगा। अभी ये कैसे निकालना है, तो समझो अभी यहाँ पे मैंने सम सिलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम कैलकुलेट होता है। यहाँ पे अगर सपोज मैंने एवरेज सिलेक्ट किया तो उसका एवरेज कैलकुलेट होता है, और अगर सपोज मैंने यहाँ पे मैक्स सिलेक्ट किया तो उसका मैक्स सिलेक्ट होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि आपको जो फंक्शन, आपको जो कैलकुलेशन चाहिए, वो कैलकुलेशन आप इसमें डाल के आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम यही देखने वाले हैं कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कौन सा भी फंक्शन सिलेक्ट करो और उसका कैलकुलेशन जो है ऑटोमेटिकली नीचे आपको जहाँ चाहिए वहाँ आप निकाल सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं नॉलेज लीड चैनल। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये जो डेटा है, ये डेटा मैं कॉपी करके ले लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी अपने सामने जो डेटा है वो सेम डेटा एज इट इज यहाँ पे है। ओके, सो हम यहाँ पे टाइटल लिख देते थे सिलेक्ट कैलकुलेशन, फिर सिलेक्ट फंक्शन, सिलेक्ट फंक्शन हुआ। यहाँ पे मुझे उसका जो फंक्शन, अभी समझो आपको फंक्शन निकालना है, समझो सम, एक उसके बाद आपको एवरेज निकालना है, उसके बाद आपको मिनिमम निकालना है, उसके बाद आपको मैक्स निकालना है, और उसके बाद आपको मोड निकालना है। ओके, ये जो पांच फंक्शन है, ये पांच फंक्शन का यूज करके हम इसमें से उसका आउटपुट निकालेंगे। नॉर्मली तो आप जब सम करते हो तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सम लिख के इसका कैलकुलेट कर देते हो, लेकिन सेम सेल में जब मैं यहाँ पे एवरेज सिलेक्ट करूँगा या फिर जब मैं यहाँ पे मीन सिलेक्ट करूँगा, तो आपको वो फंक्शन ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू जो है वो वैल्यू आपको यहाँ पे निकाल देना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले डेवलपर टैब में से हम लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं, देखो कॉम्बो बॉक्स ले लेते हैं। लिस्ट बॉक्स से भी आपका काम बन सकता है, लेकिन लिस्ट बॉक्स बहुत ही बड़ा है। ये देखो लिस्ट बॉक्स जो है वो ऐसे दिखता है, और आपका जो कॉम्बो बॉक्स जो है वो आप ऐसे डाल सकते। ओके, सो बेटर ये है कि इसके अलावा ये हमारे असाइनमेंट के लिए अच्छा है, इसके लिए हम इसको डाल देते। ओके, अभी जब हम कम्बो बॉक्स डालेंगे, तो कम्बो बॉक्स डालने के बाद आपको यहाँ पे उसका फॉर्मेट कंट्रोल पहले सेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट कंट्रोल में आप, फॉर्मेट कंट्रोल में आने के बाद इनपुट रेंज, इनपुट रेंज मतलब मुझे क्या चाहिए उसके ड्रॉप डाउन की लिस्ट पे, तो ये सारे फंक्शन के नाम है ये मुझे चाहिए, इसके लिए मैं इसको इनपुट रेंज जो है वो ये दे देता हूँ। ओके, उसके बाद सेल लिंक जो है वो मुझे सेल लिंक कौन से सेल को देना है, तो समझो अभी मैं सेल लिंक यहाँ पे दे देता हूँ N4 में। ओके, और ओके कर देता हूँ। अगर सपोज अभी मैंने यहाँ पे सम सिलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली सम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेल लिंक जो वैल्यू है वो सेल लिंक के वैल्यू में आपको 1 आउटपुट आया। उसके बाद सपोज मैंने यहाँ पे एवरेज सिलेक्ट किया तो एवरेज का 2 आया, मीन का 3 आया, मैक्स का 4 आया, मोड का 5 आया। इस तरह आपको अभी यहाँ पे उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप इसमें इफ यूज कर सकते हो, इसमें आप लुकअप यूज कर सकते हो, इसमें आप चूज यूज कर सकते हो। तो जब आप इफ यूज करेंगे तो उसका जो फंक्शन लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही लंबा हो जाता है,
इसकी वजह से हम इफ यहाँ पे स्किप करेंगे। वी लुकअप के लिए आपको हेल्पर कॉलम की जरूरत लगेगी। वी लुकअप से आपको पहले हेल्पर कॉलम जो है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने हेल्पर कॉलम डाला और उसमें से नंबर यहाँ पे डाल दी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम वी लुकअप से भी वो वैल्यू क्या कर सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं। लेकिन वी लुकअप से हेल्पर आपको डालना पड़ेगा। विदाउट हेल्पर आप इसका जो आउटपुट है वो चूज फॉर्मूला यूज करके आप इसमें से कर सकते। समझो अभी यहाँ पे मैंने चूज फॉर्मूला यूज किया, तो अभी मुझे इंडेक्स नंबर वन, इंडेक्स नंबर मतलब जो आपको वैल्यू निकालने है उसका नंबर कौन सा है। तो समझो अभी सपोज यहाँ पे मैंने वन डाला, तो वन डालने के बाद आप वैल्यू वन में जो वैल्यू डालेंगे वो चूज फंक्शन क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, चूज फंक्शन के लिए इंडेक्स नंबर जो है वो ये सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, इसको चाहिए तो आप फिक्स करो, फिक्स हो गया कॉमा वैल्यू वन। अगर सपोज वन आया तो वैल्यू क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। इसके लिए मैं सम सिलेक्ट कर देता हूँ, सॉरी सम नंबर वन। सम निकालने के लिए मुझे ये जो वैल्यू है इनका मुझे सम करना है। ओके, सो वैल्यू वन अगर सिलेक्ट होता है तो यहाँ पे मुझे सम होना चाहिए। अगर सपोज मैंने वैल्यू टू मतलब एवरेज सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे एवरेज जो है वो आना चाहिए। उसका रेंज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कॉमा। तीन नंबर के लिए मीन है, इसके लिए हम यहाँ पे मीन यूज करेंगे, ये वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा। चार नंबर के लिए मैक्स है, मैक्स सिलेक्ट किया, ये वैल्यू है, इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और पांच नंबर के लिए हमारा है मोड। ओके, तो मोड यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे नंबर डाल दिया और ब्रैकेट क्लोज कर। अभी हमारा मोड का ब्रैकेट क्लोज हुआ है, चूज फंक्शन का जो ब्रैकेट है वो भी हम क्लोज कर देते, एंटर प्रेस कर दे। अभी देखो यहाँ पे हमने मोड सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आंसर जो है वो एन ए आ गया है। इसका मतलब है मोड फंक्शन क्या करता है कि आपके रेंज में अगर कोई वैल्यू डबल रहेगा तो ही आपको वो आउटपुट दे देता। मतलब सपोज यहाँ पे अगर मैं 40 की जगह 20 करूँगा, ऑटोमेटिकली मोड दिखा देता है। इसका मतलब है कि मोड वैल्यू जो है, अगर इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इसको मुझे अभी क्या करना है, फिक्स करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मोड के पहले इफ एरर डालूंगा। इफ एरर अगर वैल्यू बराबर आया तो ये फंक्शन कैलकुलेट करो। अगर सपोज यहाँ पे वैल्यू एरर आया तो यहाँ पे नो मोड ऐसा डिक्लेयर करो, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम इफ एरर का ब्रैकेट भी कंप्लीट कर देते और एंटर। अभी देखो यहाँ पे मोड अगर मैंने सिलेक्ट किया तो नो मोड आ रहा है। अभी समझो यहाँ पे मुझे सम सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली सम कैलकुलेशन कर देता है, यहाँ पे एवरेज सिलेक्ट किया तो एवरेज कैलकुलेट कर देता है, यहाँ पे अगर सपोज मैंने मीन सिलेक्ट किया तो मीन आता है, यहाँ पे मैंने मैक्स सिलेक्ट किया तो मैक्स आएगा, और यहाँ पे हमने मोड सिलेक्ट किया तो नो मोड आएगा। इस तरह आप इसको बना सकते हो। वैसे ही सेम थिंग आपको यहाँ पे उसका कौन सा फंक्शन आपने यहाँ पे यूज किया है, कौन सा कैलकुलेशन होने वाला है ये भी निकालना है, तो ये भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें भी हम चूज फंक्शन यूज कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर कॉमा, अगर फर्स्ट वैल्यू जो है वो सम है, टेक्स्ट है, इसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं ले रहा हूँ। उसके बाद एवरेज है, कॉमा, उसके बाद मीन है, मीन इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, उसके बाद मैक्स है, मैक्स
कॉमा के बाद मोड ब्रैकेट क्लोज एंड, जैसे आपको चाहिए वैसे यहाँ पे आपका डेटा आ जाएगा। तो हम थोड़ा फॉर्मेट करके ले लेते हैं। इसको हम बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, कलर अप्लाई कर। इस तरह आप इसको बना सकते हो। इसमें डेवलपर टैब जो है वो डेवलपर टैब में से आप कॉम्बो बॉक्स ऑप्शन सिलेक्ट करके इसमें से करा सकते हो। ऐसे ऐसे हम अगर आपने इफ ने सिलेक्ट किया तो इफ के लिए बहुत सारा फंक्शंस, बहुत सारा कंडीशन जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो बेटर यह है कि सबसे इजी वे जो है वो आप इसमें से यूज कर सकते हो, जो कि डेवलपर टैब में से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हो। दूसरा ऑप्शन जो है वो आप डेटा लिस्ट में से, आप इसमें से लिस्ट ऑप्शन ले सकते हो। डेटा वैलिडेशन में आपको लिस्ट लिस्ट में से ऑप्शन भी आप यहाँ से आप ये चूज कर सकते हो। तो उसकी वजह से ये भी आपको यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करो और कमेंट करके शेयर करो। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए, क्योंकि मैं लाता हूँ हर दिन एक नई ट्रिक्स। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।